हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि अगले 10 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट 10 डेज में आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे मैच करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग जो है व्यूअर्स, ये सभी साइंस के लिए है। चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। साथ ही साथ ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो या आप किसी भी एज ग्रुप से हैं, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ओके व्यूअर्स, ये जो रीडिंग रहेगी व्यूअर्स, ये टाइमलेस रहेगी। यानी जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे या आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कभी भी पहुंचे हों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप कभी भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं, आप जब भी इसे देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके, अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है ड्रीम टैरो चैनल को, तो सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, तो आइए चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि अगले 10 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ओके व्यूअर्स, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। पहला जो कार्ड अनफोल्ड हो रहा है वो है 4 ऑफ कप्स। ठीक है, अगले 10 दिनों में आपकी कौन सी, ओ माय गॉड, इच्छा की बात करें और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आ जाए, ये तो बहुत ही पॉजिटिव बात है व्यूअर्स, बहुत ही पॉजिटिव बात है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी इंटरेस्टिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड होता है। आइए चलिए देखते हैं आगे क्या है। ओके हर्मिट, अनफोल्ड हो रहे हैं कार्ड्स, पिक नहीं करने पड़ रहे, अनफोल्ड हो रहे हैं। आइए क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। एट ऑफ सोर्ड्स, चलिए क्लैरिफाई करते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून को। पेज ऑफ कप्स, ओके, चलिए द हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं। द हर्मिट कार्ड यहाँ क्यों है, एम्प्रेस, इंटरेस्टिंग। एनर्जी ऑफ डेक देख सकते हैं आप, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके व्यूअर्स, तो पहले बताना चाहूंगी मैं आपको कि आपका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मार्च, जनवरी,
ये कुछ महीने हैं जिसमें आपका जन्मदिन हो सकता है। चलिए मैं डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करती हूँ, ये डेट ऑफ बर्थ आपसे मैच कर सकती है। 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 9 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख, 10 तारीख, 20, 8, 8 तारीख, 18 तारीख, 28 तारीख, 4 तारीख, 14, 24। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें आपका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये डेट्स और ये मंथ आपके सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, ये रीडिंग स्टिल आपसे मैच कर सकती है। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ अगले 10 दिनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है? पहली चीज़ तो मैं ये देख पा रही हूँ व्यूवर्स, काफ़ी समय से आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है आपको ना तो इस सिचुएशन से बाहर जा सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, क्या करें, बीच में फंस के रह गए हैं। यानी कि वो सिचुएशन आगे भी नहीं बढ़ रही है और पीछे तो आप स्टेप बैक कर ही नहीं सकते। तो यहाँ आप अपने माइंड में, आपको ऐसा लग रहा है, आपकी सोच में आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंस के रह गए हैं, उलझ के रह गए हैं। ओके, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप काफ़ी समय से ऐसा बंधा बंधा सा महसूस कर रहे थे, काफ़ी प्रतिबंधित सा महसूस कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप ऐसा महसूस नहीं करेंगे। यू विल बी फ्री, आप आज़ाद महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में अपने आप को स्टक महसूस कर रहे थे या फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, जिस भी सिचुएशन में अपने आप को, तो वहाँ मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि आप किसी के लिए एफर्ट्स ले रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप किसी को अप्रोच कर रहे थे बार बार, किसी के लिए एफर्ट्स ले रहे थे, अपना पूरा, अपनी मेहनत कर रहे थे जितनी आप कर सकते हैं, जितने एफर्ट्स आप डाल सकते हैं, जितने इमोशंस आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उतने एफर्ट्स ले रहे थे। लेकिन आपके एफर्ट्स को सामने वाला जो पर्सन है, यानी कि जो भी पर्सन के लिए आप एफर्ट्स ले रहे थे, वो व्यक्ति आपके एफर्ट्स को अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। आप जो भी एफर्ट्स ले रहे थे, आप जो भी मेहनत कर रहे थे, वो व्यक्ति सामने से रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा था। जैसे होता है ना कि अगर आप किसी के लिए एफर्ट ले रहे हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, किसी को अप्रोच कर रहे हैं बार बार, उनको बार बार अपने अपने प्यार का एहसास दिला रहे हैं, लेकिन अगर तब भी वो व्यक्ति आपकी बात को अच्छे से रेसिप्रोकेट ना करे, आपको अच्छे से रिप्लाई ना करे, हो सकता है ब्लॉक भी कर दे या अच्छे से ट्रीट ना करे, तो इसीलिए आप यहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि आप इमोशंस में तो फंस चुके हैं और वो व्यक्ति आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ हो सकता है आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ा है। बहुत सारे एफर्ट्स डालने के बाद भी आपको इस सिचुएशन में रिजेक्शन मिला है और बहुत तकलीफ़ हुई है आपको, और ये तकलीफ़, ये स्ट्रेस यहाँ दिख रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स में यहाँ दिख रहा है। ना तो ये व्यक्ति पूरी तरह से आपकी लाइफ में आते हैं ना पूरी तरह से जाते हैं, इसीलिए आप महसूस करते हैं फंसा हुआ। ठीक है, यहाँ लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और आगे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, लेकिन व्यूवर्स यहाँ पर किस्मत जो है वो आपके फेवर में होने वाली है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आता है तो ये भाग्य का कार्ड होता है, किस्मत का कार्ड होता है, लक का कार्ड होता है, जो बताता है कि जो भी अब होने वाला है, जो भी अब लाइफ में चीजें होंगी वो आपके फेवर में होंगी। जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो आपके फेवर में वर्क करेगी। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई ऑफर दे सकता है। ओके, लक जो है वो आपके फेवर में होगा, किस्मत जो है वो आपके फेवर में होगी और आपको कोई ऑफर दे सकता है। पेज ऑफ कप्स, ठीक है, तो
तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई ऑफर लेके आ सकता है, हो सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए आप काफ़ी टाइम से एफर्ट्स डाल रहे थे और वो व्यक्ति आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, अच्छे से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा है ये वही व्यक्ति हो सकता है जो आपके लिए ऑफर लेकर आएगा, क्योंकि जो आपका भाग्य है ना व्यूअर्स, वो आपके फेवर में है। डिवाइन टाइमिंग पर ये व्यक्ति आपके लिए ऑफर लेके आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं व्यूअर्स, ये ऑफर कोई शादी का ऑफर या कोई एंगेजमेंट का या कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ऑफर नहीं है, ये बहुत लाइट ऑफर हो सकता है, जैसे कि फ्रेंडशिप। अब आप ये सुन के निराश मत होइएगा कि फ्रेंडशिप नहीं चाहिए मुझे, आई लव देम, मैं उनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मुझे उनसे दोस्ती नहीं चाहिए, तो ये सोच के निराश मत होइएगा। ये तो सिर्फ एक पहला स्टेप है, क्योंकि जब भाग्य, ये जो कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी किस्मत का जो पहिया है, जैसे जैसे आपके फेवर में टर्न होता जाएगा ना, वैसे वैसे चीज़ें भी ट्रांसफॉर्म होती जाएंगी। लेकिन शुरुआत एक बेसिक सिंपल स्टेप से होगी, जैसे पेज ऑफ कप्स, यानी कि एक सिंपल ऑफर आएगा, जैसे कि फ्रेंडशिप का, या हो सकता है सिंपल कोई मैसेज आ जाए, बेसिक जनरल, जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, क्या चल रहा है। तो आप भी एकदम एक्साइटेड मत हो जाइएगा, आप भी नॉर्मली बात कीजिएगा, नॉर्मली डील कीजिएगा, और धीरे धीरे ये सिचुएशन अपने आप रोमांटिक ट्रैक पर जाएगी। बट ये शुरू काफ़ी बेसिक और लाइट तरीके से होगा, ऐसा दिख रहा है। तो आने वाले 10 दिनों में आपके पास इनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है ऑन डिवाइन टाइमिंग। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि पहली बात तो मैं ये कहूँगी, यहाँ पे जब मैंने कहा कि ये ऑफर धीरे धीरे सॉलिड ऑफर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हाँ व्यूअर्स हो जाएगा। अगर आप बहुत समय से किसी चीज़ का जवाब चाहते थे, ये बहुत समय से किसी चीज़ पर चिंतन कर रहे थे, किसी चीज़ को एनालाइज कर रहे थे, ये डिसीजन लेना चाहते थे कुछ, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, आपको क्लैरिटी नहीं थी, और आपने लोगों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना भी बंद कर दिया था, अपने ही अपने में आप डीप थिंकिंग करते रहते थे, इंटेंस थिंकिंग करते रहते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पर कि अगर आप ऐसा कुछ सोचते रहते थे ना, तो अगले 10 डेज में ऐसा हो सकता है कि आपको कोई शादी का रिश्ता आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसी पर्सन से आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल, एज अ वाइफ मटेरियल देखता है। ये ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जो काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक कर रहा है, काफ़ी टाइम से आपको ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन आपसे अब तक कन्फेस नहीं किया है। ये व्यक्ति जो है व्यूअर्स, ये इस व्यक्ति को आप पे क्रश हो सकता है, लेकिन ये वो पर्सन नहीं है जो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मुझे यहाँ पे व्यूअर्स अब दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, दो लोग नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आपके पास कोई दो लोग हैं या दो ऑप्शंस हैं। मुझे यहाँ एक पर्सन ऐसा नज़र आ रहा है जो आपको पसंद करता है, जिसका क्रश है आप पर, और जो आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करता है, और वो आपको एज अ हस्बैंड मटेरियल, एज अ वाइफ मटेरियल देखता है, वो आपसे शादी करना चाहता है, और वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, और ऐसा भी लग रहा है कि शायद शादी का ऑफर देना चाहता हो, क्योंकि बार बार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शादी करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो व्यक्ति आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन वो हमेशा सोच में डूबा रहता है या बहुत ज़्यादा थिंकिंग करता रहता है, और बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन को एनालाइज करता रहता है और सवालों के जवाब चाहता है, और वो व्यक्ति यही सोचता रहता है व्यूअर्स कि कैसे आपको अपना बनाए, क्योंकि आपका जो दिल है ना व्यूअर्स, वो कहीं और लगा हुआ है, और जहाँ आपका दिल लगा हुआ है वहाँ आपका दिल टूटा है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की तरफ से आपके आपके लिए कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन या कोई लाइट ऑफर आ ज़रूर सकता है, आपकी बातें ज़रूर शुरू हो सकती हैं, लेकिन मैंने कहा ना कि ये कुछ स्ट्रांग नहीं है, ये एक बहुत ही लाइट ऑफर होगा। आगे वो किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, आगे जाके वो कैसा कैसा रूप लेगा, कैसे ट्रांसफॉर्म होगा, क्या ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट होगी, रोमांटिक ट्रैक में जाएगी, हो सकता है यस, और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये अभी जो ऑफर आएगा वो बहुत ही इमेच्योर ऑफर होगा। आई होप आप लोग कंफ्यूज ना हो रहे हों, मैं एक बार आपको दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर आप स्टक महसूस कर रहे हैं, बिकॉज समवन इज़ रिजेक्टिंग योर प्रपोजल एंड
दैट समवन इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स, कोई व्यक्ति है जो आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा है और आपकी भावनाओं को समझ नहीं रहा. ओके, पर बहुत ही जल्दी जो किस्मत है वो आपके फेवर में वर्क करेगी और वही व्यक्ति व्यूअर्स आपके लिए कोई ऑफर लेकर आएगा. लेकिन वो ऑफर बहुत लाइट होगा, फ्रेंडशिप का ऑफर होगा, बेसिक होगा, जनरल ऑफर होगा. तो आपको भी जनरली बात करनी है, नॉर्मली बात करनी है, ठीक है. ओवर एक्साइटेड नहीं होना है क्योंकि बहुत ही इमेच्योर ऑफर होगा, बहुत ही लाइट ऑफर होगा. कुछ कमिटमेंट की बात नहीं है यहाँ, कुछ सीरियसनेस नहीं है, सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही है मुझे. साथ ही साथ इसी सिचुएशन में मुझे कोई अनदर पर्सन यानी दूसरा पर्सन भी नज़र आ रहा है जो काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा चिंतन कर रहा है और आपको भी बहुत ऑब्जर्व कर रहा है. व्यूअर्स, आपके बारे में वो व्यक्ति बहुत सोच रहा है क्योंकि वो आपको अपना बनाना चाहता है. आपको वो एज अ हस्बैंड मटेरियल, एज अ वाइफ मटेरियल देखता है. वो आपसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो आपको सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करना चाहता है. लेकिन वो इतनी इंटेंस थिंकिंग इसीलिए कर रहा है, इतना चिंतन, इतना एवेल्युएशन, एनालिसिस इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि आपका दिल कहीं और लगा है. तो वो यही सोचता रहता है कि कोई रास्ता होगा, ऐसा कुछ तो ऐसी बात होगी जिससे आपको अपना बनाया जा सके. व्यूअर्स, वो यही सोचते रहते हैं कि आपको कैसे अपना बनाएं. तो कोई यहाँ पे है जिसको आप पर क्रश है, जो आपसे शादी करना चाहता है. ओके, तो यहाँ मुझे दो पर्सन नज़र आ रहे हैं. तो एक की तरफ से तो आपके लिए एक लाइट ऑफर आ सकता है, लेकिन दूसरा जो व्यक्ति है हो सकता है वो आपको शादी का रिश्ता भेज दे या आपको शादी के लिए डायरेक्ट प्रपोज करे या ऐसा कोई कुछ बोल सकता है कोई कि देखो मुझे रिलेशनशिप रिलेशनशिप अब नहीं चलाना. ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू मैरी, मुझे स्टेबल होना है और मुझे आपके साथ ही स्टेबल होना है, मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे और टाइम नहीं चाहिए, आई जस्ट वॉन्ट टू मैरी यू. तो हो सकता है डायरेक्ट शादी का ऑफर भी आपके लिए आ सकता है. ओके, देखिए व्यूअर्स, या तो आपके नाम में 7 अक्षर हो सकते हैं, 7 लेटर्स, या ये जो दोनों पर्सन हैं इसमें से किसी एक के नाम में 7 अक्षर हो सकते हैं. चलिए सिचुएशन को और क्लैरिफाई करते हैं. वैसे रिश्ता आ सकता है लेकिन कोई लाइट कम्युनिकेशन भी आ सकता है. अगर आप चाहते थे कि वही व्यक्ति जिसने आपको रिजेक्ट किया है आपसे बात करे, आपको यू नो आपकी तरफ कोई एक्शन ले, तो एक छोटा सा एक्शन तो दिख रहा है मुझे, लेकिन शादी का रिश्ता तो अभी दिख रहा है. लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज. व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है जितना आप समझते हैं. जितना स्ट्रांग आप अपने आप को समझते हैं, जितना भी स्ट्रांग आप अपने आप को समझते हैं उससे कई ज़्यादा स्ट्रांग हैं आप. अपनी वैल्यू समझिए और अपने आप को जो आपने स्टक करके रखा हुआ है ना. देखिए व्यूअर्स, यहाँ मैंने कहा था अपने आप को स्टक करके रखा है और यहाँ पर आप देख लीजिए, लेट मी शो यू समथिंग. यहाँ पर एक बोल है इनके हाथ में, यू नो एक क्रिस्टल, और उसके अंदर कोई फीमेल है और वो इस गोले के अंदर, इस सर्कल के अंदर बंधी हुई है, स्टक है, फंसी हुई है. ऐसे ही आप स्टक हो चुके हो व्यूअर्स अपने दिमाग में. तो यहाँ पे आपको अपने आप को स्टक सिचुएशन से रिलीज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. ये मैसेज है आपके लिए और ये ऑफर तो आ रहा है. तो ये विश पूरी हो रही है लेकिन कमिटमेंट भी मिल रहा है, लेकिन किसी और से मिल रहा है. यस, कोई न्यू पर्सन की भी एंट्री हो सकती है इस रीडिंग में, काफी मुझे ऐसा लग रहा है. शो सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस, शो सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन एनर्जाइज यू एंड ब्रिंग हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू. तो व्यूअर्स, आपके आसपास जो लोग हैं या आपके आसपास जो भी जीव जंतु हैं, आपको यहाँ पर थोड़ी काइंडनेस दिखाने की ज़रूरत है, तभी आपका हार्ट हील होगा. जितने भी आप स्टक महसूस कर रहे हो या रिस्ट्रिक्टेड या प्रतिबंधित या यू नो अपने दिमाग में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पर आप
सिंपल एक्ट ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं, जैसे कि जानवरों को खाना खिलाना, उनकी केयर करना, ये किसी की हेल्प करना, किसी के काम आना सच्चे दिल से बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, तो इससे बहुत हेल्प होगी आपके हार्ट को हील होने में। सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर, अ पिक्चर विद मिलियन मैसेजेस। यू कैन बी दैट पर्सन। ओके चलिए एक मैसेज और लेते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। कंसिडर योर फाउंडेशन। मैसेज है, यू आर बीइंग आस्क्ड टू लुक एट हाउ कमिटेड यू आर टू लव। यानी कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आपके लिए प्यार इंपॉर्टेंट है या जो भी चीज़ लाइफ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको उससे स्टिक रहना है। ऐसा नहीं करना, बार बार फ्लक्चुएट नहीं करना। कुछ लोग होते हैं जो बार बार ऐसा कहते हैं कि अब मेरे लिए सिर्फ मेरा करियर इम्पॉर्टेंट है, और फिर थोड़े देर बाद किसी दूसरी चीज़ को इम्पॉर्टेंस दे रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे बिहेव करते हैं कि अब मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर वो किसी और चीज़ में डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले क्लियर रहना है कि वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, वॉट इज़ योर कमिटमेंट, आप किस चीज़ के लिए कमिटेड महसूस करते हो, और जिस भी चीज़ के लिए आप कमिटेड महसूस करते हो उसको फॉलो करो, उस पर बिलीव करो, ट्रस्ट करो, हैव फेथ एंड मिरेकल्स विल हैपन टू यू। ओके, अगर आप लवेबल एनर्जी में हो, आप पॉजिटिव एनर्जी में हो, तो डेफिनेटली आप वही आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होगा। जो हम करते हैं वही हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप प्यार करते हो, प्यार बांटते हो, प्यार पे विश्वास रखते हो, तो प्यार आपकी तरफ लौट कर आएगा। ओके तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग के अगले 10 दिनों में आपकी कौन सी विश पूरी हो सकती है। एज सच कोई बहुत बड़ी विश तो नहीं है, लेकिन हाँ, किसी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आ सकता है, और शादी का ऑफर आ सकता है इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग, तो भी आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड ऑफर भी हो सकता है। यहाँ हमने कुछ गाइडेंस ली आपके लिए व्यूअर्स कि आपको क्या करना चाहिए। ओके तो अगर इस रीडिंग ने आपको 1% भी हेल्प किया है तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ड्रीम टैरो चैनल को, और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स।